आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर पिता ने हमारे जीवन में दी। विशेषकर हम धन्यवादी हैं कि परमेश्वर ने रात भर संभाल कर ये नया समय और आज का नया दिन हम सब के जीवनों में जोड़ा। और विशेषकर हम धन्यवादी हैं इस नए साल के लिए, उस नए साल में परमेश्वर ने ये आशीषों का साल हम सब के जीवनों में जोड़ा है कि हम अपनी आशाओं को, हम अपने विनती निवेदनों को, हम अपनी प्रार्थनाओं को उस जीवित परमेश्वर के सम्मुख रखें कि जो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, हमारी चिंता करने वाला है, उस परमेश्वर के सम्मुख हम अपनी सारी बातों को, हम अपने आप को समर्पित करके आज की सुबह में उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उन तमाम आशीषों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए मेरे परमेश्वर की जो आपने हमारे जीवनों में दी है मेरे प्रभु जी। विशेषकर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु रात भर में संभालने के लिए परमेश्वर पिता। बात करते हैं प्रभु जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, उन सबको तेरी पवित्र उपस्थिति में लेकर आते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के सच में तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला प्रभु है। धन्यवाद करते परमेश्वर के हम उन सबको तेरे गाढ़े पवित्र लहू में ढांपते हैं प्रभु। आज के सुबह में, आज के दिन में परमेश्वर तेरी पवित्र, अति पवित्र उपस्थिति को हम सबके संग में मांगते हैं परमेश्वर, कि आज का पूरा दिन भर परमेश्वर पिता तेरी उपस्थिति हमारे हर एक कार्य में, हमारे साथ में होने पाए परमेश्वर पिता, प्यारे खुदावन। क्योंकि प्रभु जब आप हमारे संग में होते हैं प्रभु, तो कोई भी काम असंभव नहीं होता और कोई भी हानि हमारी नहीं होती है। क्योंकि प्रभु आपका वचन हमसे कहता है कि मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर तू हर परिस्थिति में, हर दुख में, हर मुसीबत में, हर विपत्ति में हमारे संग में होता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, विशेषकर आज के दिन को यीशु मसीह, आज के दिन को हम यीशु नाम से शुरू करते हैं परमेश्वर पिता। क्योंकि ये दिन परमेश्वर हम सब के जीवनों में सफलता, निराशाओं से दूर, हर हम सब की असफलताओं को दूर करने के लिए, हमारी निराशाओं को दूर करने के लिए है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हम सब के संग में है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, हम सब मिलकर आज के सुबह में आपके नाम को धन्य कहते, आपके नाम की बड़ाई, आपके नाम की प्रशंसा करते परमेश्वर। सच में हम घटे और आप बढ़े, हम घटे और आप बढ़े परमेश्वर पिता। आप महान शक्तिशाली हैं प्रभु, आप प्रभु शांति के राजकुमार हैं परमेश्वर पिता। प्रभु आप दया करने वाले परमेश्वर हैं पिता, आप आनंद से भरने वाले प्रभु हैं पिता, आप हमारी सुधि लेने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारे विचारों को जांचने वाले परमेश्वर हैं, हमें परखने वाले परमेश्वर हैं पिता, हमें शुद्ध मन देने वाले परमेश्वर हैं पिता, हमारे घावों में मरहम पट्टी करने वाले परमेश्वर हैं पिता। आप वो परमेश्वर हैं, आप भेड़ों के चरवाहे हैं प्रभु, आप प्रभु जी, आप प्रभु दाखलता हैं प्रभु और हम डालियां हैं परमेश्वर पिता। आप हमसे प्रेम करने वाले प्रभु हैं, हमारे पापों को क्षमा करने वाले प्रभु हैं, हम पर दया अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं पिता, हमारी बीमारियों में हमारी सुधि लेने वाले परमेश्वर हैं, हमारे दुख के समय हमारे संग में रहने वाले परमेश्वर हैं पिता। आप अल्फा और ओमेगा हैं परमेश्वर, हम दया प्रभु आपकी दया हमेशा हम सब के संग में बनी रहे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपकी उपस्थिति हम सब के संग में है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं उन आशीषों के लिए प्रभु की, बीते साल में जो आशीषें आपने हमारे जीवनों में दी, वो बीते समय, वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म जो आपने हमारे जीवनों में किए प्रभु, बीते समय में, बीते दिनों में प्रभु, जो काम आपने हमारे जीवनों में किए हैं, जो आशीषों को आपने हमारे जीवनों में, हमारे घर परिवारों में दिया है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं उन तमाम आशीषों के लिए प्रभु। क्योंकि परमेश्वर आप आशीषों के श्रोता हैं, क्योंकि प्रभु हर उत्तम आशीषें प्रभु हमें आपकी ओर से मिलती हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप प्रभु शांति के राजकुमार हैं प्रभु जी, आप शांति देने वाले परमेश्वर हैं। जब हमारे जीवनों में कलेश होता है प्रभु, जब हमारे जीवनों में लड़ाई झगड़े होते हैं, जब हमारे रिलेशनशिप में गड़बड़ियाँ, अशांति फैली होती है प्रभु, परिवारों में, रिश्तेदारियों में और प्रभु बहुत सी जगहों में प्रभु, जब हमारे जीवनों में अशांति होती है प्रभु, तब परमेश्वर पिता आपका साथ हमारे संग में होता है और आप हमें अपनी असीम शांति से भरते हैं, उस अद्भुत शांति से प्रभु जो हमें संसार नहीं दे सकता, वो शांति आपसे हमें मिलती है परमेश्वर पिता। प्रभु जो काम हमारे लिए असंभव होते हैं पिता, क्योंकि प्रभु आप हर एक काम को संभव करने वाले परमेश्वर है पिता। जो मनुष्य के लिए असंभव है पिता, वो आपके लिए संभव है मेरे परमेश्वर पिता। क्योंकि आपका वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि जो काम प्रभु आज के दिन में हमारे लिए असंभव है, आज के दिन में इन भाई बहनों के लिए असंभव है पिता, उन असंभव कामों को आप उनके जीवनों में संभव करें पिता परमेश्वर। जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं परमेश्वर, तब आप हमारी उम्मीदों को प्रभु बनाए
रखते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी, क्योंकि प्रभु हम हमारी आशाओं को टूटने नहीं देते। हम जब तुझ पर आस लगाए होते हैं प्रभु, तब आप हमारी आशाओं को पूरी करते हैं पिता। यदि इस समय परमेश्वर पिता प्रभु जो अपनी आशा तुझ पर लगाए हैं पिता परमेश्वर, इन भाई बहनों की आशा प्रभु तुझ पर लगी है परमेश्वर, यदि वो अपनी शादी के लिए तुझ पर आस लगाए हैं, यदि वो अपनी जॉब के लिए तुझ पर आस लगाए हैं, या फिर अपने घर में सब कुछ ठीक होने के लिए तुझ पर आस लगाए हैं प्रभु, तो पिता आप उनकी आशाओं को पूरी करें मेरे पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू प्रभु निर्जल भूमि में प्रभु जल की धाराएं बहाने वाला परमेश्वर है, तू स्वर्ग से मन्ना बरसाने वाला परमेश्वर है पिता। प्रभु जी आप अद्भुत करने वाले परमेश्वर है पिता, आप हमारे पापों की क्षमा देने वाले परमेश्वर है पिता परमेश्वर, आप हमें उत्तम भोजन से तृप्त करने वाले परमेश्वर है। जिस प्रकार प्रभु आपने इसराइलियों को प्रभु जी मिस्र देश से निकाल कर प्रभु आप जब प्रभु आशीषों के देश में ले जाना चाह रहे थे प्रभु, तब आपने उनके जीवनों में अद्भुत काम किए, उनके जीवनों में स्वर्ग से आपने उनके लिए स्वर्गीय भोजन को दिया, मन्ना आपने बरसाया परमेश्वर पिता, जहां पर प्रभु उन्हें प्यास लगी और चट्टाने थी प्रभु, सूखी भूमि थी प्रभु, और आपने प्रभु उन सूखी भूमियों में उनके लिए जल की धाराएं बहाई प्रभु। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि तू वो महान करने अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, आप हमारी सुधि लेने वाले परमेश्वर है पिता परमेश्वर। उसी प्रकार इन भाई बहनों के जीवनों में यदि कोई भी समस्या है प्रभु जी, चाहे प्रभु जी मिस्र देश की जैसे प्रभु उनके जीवनों में 40 वर्ष की समस्याएं हैं प्रभु, चाहे उनके बहुत प्रॉब्लम्स उनके जीवन में है, विपत्ति है, दुख है, बीमारियां हैं प्रभु, कलेश है पिता, गड़बड़ियां हैं पिता परमेश्वर, और कर्जे हैं पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार तूने स्वर्ग से उनके लिए मन्ना को बरसाया प्रभु, और पिता परमेश्वर निर्जल धरती पर प्रभु जल की धाराएं बहाई प्रभु, उसी प्रकार इनके दुख से, इनके कर्जों से, इनकी बीमारियों से, इनके हर एक विपत्तियों से आप इन्हें छुड़ाकर उस आशीषों के देश में पहुंचाए, उन आशीषों को इनके जीवन में दे प्रभु, जो जिस बात के लिए तुझसे प्रार्थना निवेदन कर रहे हैं, जिस बात के लिए वो नित्य तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इनकी सुधि ले, इनके प्रार्थनाओं का उत्तर दे प्रभु, और इनके जीवनों में आशीषों की वर्षा कर पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि तू अब्राहम का, याकूब का, इसहाक का परमेश्वर है, तू हमारा परमेश्वर है, क्योंकि तूने हमारे गुनाहों को माफ किया प्रभु जी, तूने हमारे लिए प्रभु इस धरती पर आया प्रभु, और तीसरे दिन प्रभु तू मुर्दों में से हमारे लिए जी उठा प्रभु, तूने स्वर्ग में तूने हमारे लिए जगह तैयार की, तूने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु, तेरा वचन भजन संहिता 105 कहता है, क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन और अपने दास अब्राहम को स्मरण किया प्रभु। उसी प्रकार प्रभु तेरा वचन जो हमारे जीवनों में है, तेरी आशीष जो हमारे जीवनों में है पिता, हम जो तुझ पर भरोसा करते हैं प्रभु पिता, आप हमें स्मरण करते हैं प्रभु, आप इन भाई बहनों को स्मरण करते हैं जो नित्य तुझ पर आस लगाए हैं, जो नित्य तेरे वचन को, तेरी संगति में रहते हैं परमेश्वर, जो तुझे पुकारते हैं प्रभु, सिर्फ तेरी दुहाई देते हैं परमेश्वर, आप उन्हें स्मरण रखते हैं प्रभु। इस समय जब वो विपत्ति में है प्रभु, परेशानियों में है प्रभु, बीमारियों में है पिता परमेश्वर, इस समय आप इन्हें स्मरण करें, आप इनकी सुधि लें, इनके टूटे मनों को जोड़ें प्रभु। यदि इन्होंने धोखा खाया है, यदि इन्होंने प्रभु इनका घर परिवार टूटने पर है प्रभु, अब कोई उम्मीद और कोई आस नहीं है परमेश्वर, परंतु आपका वचन कहता है जिस प्रकार आपने अब्राहम को स्मरण किया, उसी प्रकार आप इन्हें भी स्मरण करें प्रभु, इनकी भी सुधि लें प्रभु, इनके गम को, इनके दुखों को दूर करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि आपने एक एक के दुखों को ले लिया है प्रभु, एक एक की बीमारियों से आपने उन्हें छुटकारा दे दिया है प्रभु, एक एक को दुष्ट की बंधनों से छुटकारा दे दिया है प्रभु। आपने जो शैतान की युक्तियां इनके जीवन में, पिता परमेश्वर हम उनको यीशु के नाम से इनके जीवनों से कैंसिल आउट करते हैं प्रभु। आप प्रभु इनकी सुधि लीजिए प्रभु, आप इनके जीवनों में अद्भुत काम कीजिए प्रभु, इनके मनोरथों को पूरा कीजिए परमेश्वर पिता। और प्रभु जिस प्रकार आपने प्रभु कनान देश पहुंचा कर दूध और मधु की नदियां जहां बहती है प्रभु, आशीषों के देश में प्रभु इसराइलियों को पहुंचाया, उसी प्रकार प्रभु इनके जीवनों में भी ऐसे जगह प्रभु आप इन्हें नियुक्त करें प्रभु, जहां पर दूध और मधु की नदियां और धाराएं बहती हैं परमेश्वर पिता। आशीषों को इनके जीवन में दे, बेस्ट लाइफ पार्टनर को दे प्रभु, बेस्ट फ्यूचर को दीजिए प्रभु जी, एडिक्शन से उन्हें छुटकारा दीजिए परमेश्वर पिता, इनके बिगड़ते हुए कामों को आप बनाए, कर्जों से मुक्ति दीजिए परमेश्वर पिता, घर के लड़ाई झगड़ों से आप इन्हें मुक्ति दीजिए परमेश्वर पिता, छुटकारा दीजिए परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए, सारी बातों में प्रभु आपको हम सम्मान देते हैं, क्योंकि आदर और महिमा के योग्य आप हैं प्रभु, प्रार्थनाओं को सुनने वाले आप
हैं परमेश्वर, हमारी सुधि लेने वाले आप हैं, हमारी आशाओं को पूरी करने वाले आप हैं और आपके वचन के अनुसार हमें स्मरण करने वाले आप हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आज के पूरे दिन के लिए प्रभु, आज का पूरा दिन हम आपके हाथों में सौंपते हैं कि आज के दिन में हर एक काम में प्रभु आपकी उपस्थिति हम सबके संग में और प्रभु इन भाई बहनों के संग में होने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। आज के दिन में प्रभु जिन भाई बहनों का जन्मदिन है परमेश्वर, हम उन्हें तेरे नाम से ब्लेस करते हैं। धन्यवाद एक नया साल उनके जीवन में देने के लिए प्रभु। और पिता इस नए साल में प्रभु हर एक बातें प्रभु आप उनके जीवन में नई करें प्रभु, आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें और प्रभु उनके काम जो नहीं बन पाए थे बीते साल परमेश्वर, जिन कामों के लिए प्रभु वो आपसे प्रार्थना करें प्रभु, उनकी विशेष को आप आज के दिन में पूरा करें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप उन्हें प्रभु दीर्घ आयु से तृप्त करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा और जलाल आपको देते हुए कि आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।